दोस्तों, क्रिकेट जैसे कॉम्पिटिटिव गेम में एक ऑलराउंडर का रोल उतना ही अहम होता है जितना कि इंसानी शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इस खेल के हर क्षेत्र में अपना योगदान देना होता है। ऑलराउंडर्स टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। अगर किसी टीम में दो या तीन बेहतरीन ऑलराउंडर्स हो तो वो टीम सबसे ज्यादा संतुलित मानी जाती है। यही वजह है कि आज के दौर में टीम में ऑलराउंडर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। आज जब ग्रेट ऑलराउंडर्स की बात की जाती है तो उनमें जैक कैलिस और एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे खिलाड़ियों का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। पर जब हम इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं तो वहां हमें एक ऐसे महान शख्स का नाम बार बार सुनने को मिलता है जिसने 70-80 के दशक में अपने लाजवाब ऑलराउंड खेल से मैदान में तहलका ही मचा दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही किसी भी टीम पर भारी पड़ जाया करता था, जिसने अपने अकेले के दम पर अपनी टीम को न जाने कितने मैचेस जिताए और साथ ही क्रिकेट फैंस को कई शानदार यादें भी दी। दोस्तों, आज हम उसी महान शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया सर इयान बॉथम के नाम से जानती है। ये एक ऐसा नाम है जिसे आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े अदब के साथ लिया जाता है। Ian Botham, one of the greatest figures in all ways since the war. Good ball. What a marvelous pair of hands is Ian Botham, I must say. 24 नवंबर 1955 को इंग्लैंड के हैशवाल शहर में जन्मे इयान टेरेंस बॉथम के पिता इंग्लैंड के रॉयल नेवी के जवान थे जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था और उनकी माँ एक नर्स थी। बॉथम जब 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उनके पिता को वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स में बतौर टेस्ट इंजीनियर जॉब मिली, जिसके बाद वह अपने परिवार को लेकर ईओएल चले आए थे। बॉथम के माता पिता दोनों क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनके पिता वेस्टलैंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्रिकेट खेले तो वहीं उनकी माँ सेयरबोर्न स्थित नर्सिंग क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। माता पिता को क्रिकेट खेलता देख बॉथम को भी छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलने का शौक लग गया था। बॉथम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मिलफोर्ड जूनियर स्कूल से पूरी की, जहां पढ़ाई करने के दौरान बॉथम को क्रिकेट से प्यार हो गया। स्कूल के दिनों में बॉथम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेला करते थे और वो भी अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ। बाद में बॉथम ने बकलस मिड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में दाखिला लिया जहां वो स्कूल अंडर 16 टीम के कैप्टन भी बने। स्कूलिंग क्रिकेट खेलने के दौरान ही बॉथम समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब के यूथ कोच बिल एंड्रूज के नजर में भी आ गए और उन्होंने बॉथम को समरसेट के अंडर 15 टीम में शामिल कर लिया, जहां बॉथम ने 13 साल की उम्र में विल्टशायर के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही 80 रनों की पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित कर दी। इस दौरान वह जूनियर लेवल पर फुटबॉल टूर्नामेंट भी खेल रहे थे और वहां भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही रहा था। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद बॉथम के सामने मौका आया कि वह क्रिकेट और फुटबॉल में से किसी एक को चुने, क्योंकि उस समय क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब के मैनेजर बर्ट हेड बॉथम के फुटबॉल स्किल से काफी इंप्रेस थे और वह उन्हें बतौर अप्रेंटिस फर्स्ट डिवीजन क्लब में शामिल करना चाहते थे। पर समरसेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बॉथम ने अपने पिता की सलाह पर क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। स्कूलिंग क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरने के बाद बॉथम ने साल 1973 में समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब के सीनियर टीम को ज्वाइन किया। फिर साल 1974 में उन्हें लैंकाशायर के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का भी मौका मिला। उसी मैच में उनके साथ सदी के महान बल्लेबाजों में से एक सर विवियन रिचर्ड्स भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे थे और दोनों ही एक ही टीम समरसेट का हिस्सा थे। एक ही टीम की तरफ से खेलने की वजह से आगे चलकर दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए और दोनों ने साथ मिलकर समरसेट के लिए कई यादगार मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए। बॉथम बेशक उन दिनों 18-19 साल के एक युवा लड़के थे, पर उनमें जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें किसी भी स्थिति में हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। 1974 का ही एक किस्सा है। बेंसन एंड हेजेस कप का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था जहां हैम्पशायर और समरसेट की टीमें आमने सामने थी। यह 55-55 ओवर का एक वनडे मैच था जिसमें हैम्पशायर की टीम 182 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और समरसेट को इस मैच में जीतने के लिए 183 रन बनाने थे। यहां तक मुकाबला आसान लग रहा था, पर हैम्पशायर की टीम ने वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स की अगुवाई में समरसेट के बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी और 113 रनों पर 8 विकेट निकालकर समरसेट को मुश्किल में डाल दिया। मैच को जीतने के लिए समरसेट को अभी भी 70 रन चाहिए थे और केवल 2 ही विकेट बचे थे। तब ऐसे वक्त में नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए इयान बॉथम, पर क्रीज पर आते ही एंडी रॉबर्ट्स ने बॉथम का स्वागत एक खतरनाक तेज रफ्तार बाउंसर से किया, जिसे बॉथम ने हुक करने का प्रयास किया,
पर वो बीट हो गए और गेंद सीधे उनके चेहरे पर जा लगी, जिससे बॉथम के मुंह से खून की धार निकल पड़ी और उनके दो दांत भी टूट गए। यह देखने के बाद सबने उन्हें रिटायर्ड हट होकर पवेलियन लौटने को कहा, पर 18-19 साल के बॉथम ने हार नहीं मानी और वह क्रीज पर ही रुके रहे। उस दिन बॉथम न केवल क्रीज पर डटे रहे बल्कि असहनीय दर्द के बावजूद 45 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेलकर समरसेट को इस मैच का विनर भी बना दिया और साथ ही मैन ऑफ द मैच भी बने। उस घटना के बाद से बॉथम एकदम से फियरलेस हो गए थे। बॉथम ने 26 अगस्त 1976 को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा, जहां वो बल्ले से केवल एक रन बना पाए और गेंदबाजी में भी उन्हें सिर्फ एक ही सफलता हाथ लगी। इसके ठीक एक साल बाद 28 जुलाई 1977 को बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंगहम टेस्ट में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। हालांकि इस बार उनका प्रदर्शन ओडीआई डेब्यू के मुकाबले काफी बेहतर रहा और उन्होंने पहली पारी में 25 रन बनाने के साथ साथ 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। फिर अगले टेस्ट मैच में भी बॉथम ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए पहली पारी में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन करने के बाद बॉथम इंग्लैंड टीम के साथ साल 1978 के न्यूजीलैंड दौरे पर भी गए, जहां खेले गए टेस्ट सीरीज में दुनिया ने पहली बार बॉथम के शानदार ऑलराउंड खेल का नजारा देखा। इसी दौरान उन्होंने क्राइस्टचर्च टेस्ट में 103 रनों की लाजवाब पारी खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। साथ ही गेंदबाजी से भी जलवा बिखेरते हुए कुल 8 विकेट लेकर न्यूजीलैंड टीम की कमर तोड़ दी। बॉथम के इस गजब के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने यह टेस्ट 174 रनों से जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। बॉथम ने इस टेस्ट सीरीज में 222 रन बनाने के साथ साथ 17 विकेट भी लिए, जो अपने आप में यह बयां कर रही थी कि बॉथम आगे चलकर विश्व क्रिकेट को क्या देकर जाने वाले हैं। फिर इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी बॉथम ने 2 शतक बनाए। लॉर्ड्स टेस्ट में तो उन्होंने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली ही धूल चटा दी थी। इस मैच में पहले तो उन्होंने एक अच्छा शतक बनाया और दूसरी पारी में 34 रनों पर 8 विकेट लेकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया। इतना ही नहीं, फरवरी 1980 में भारत के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में बॉथम ने शतक बनाने के साथ साथ 13 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में ये कीर्तिमान बनाने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर होने का गौरव भी अपने नाम किया। बॉथम के इस तरह के प्रदर्शन ने उन्हें रातों रात एक पोस्टर बॉय बना दिया था। हर न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स में बॉथम की तारीफें और किस्से छपे होते थे। लड़कियां तो उनके लंबे बालों और आकर्षक कदकाठी की दीवानी हो चुकी थी। उनकी कंसिस्टेंसी का लेवल ऐसा था कि जिसे देखने के बाद उन्हें 1980 में कप्तानी के पद पर प्रमोट कर दिया गया, पर शायद कप्तानी उन्हें रास नहीं आई। जैसे ही बॉथम ने कप्तानी की बागडोर अपने हाथ में ली, उधर उनके खराब फॉर्म का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने 12 मैचों में इंग्लैंड के लिए कप्तानी की और एक भी मैच टीम जीत नहीं पाई। इसके अलावा बॉथम का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि ये वही बॉथम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों को अकेले ही मात दे दी थी। फिर आया साल 1981 का एशेज सीरीज, जिसके बिना तो बॉथम की ये कहानी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि ये एशेज सीरीज ही अब बॉथम का भविष्य तय करने वाली थी। दरअसल इस एशेज सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच तक बॉथम ही टीम के कप्तान थे, जिसमें इंग्लैंड की टीम 1-0 से पिछड़ चुकी थी। उन 2 टेस्ट मैचों में बॉथम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था और हर जगह बॉथम की आलोचना हो रही थी। बॉथम मस्ट गो के हेडलाइंस से अखबार भरे पड़े थे। मजबूरन ईसीबी को 3rd टेस्ट में बॉथम को कप्तानी से हटाना पड़ा और कप्तानी सौंप दी माइक ब्रैडली को। बॉथम के लिए ये ईसीबी का साफ इशारा था, अभी तो सिर्फ कप्तानी छीनी गई है, पर अब अगर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी खराब हुई तो आप टीम से भी बाहर कर दिए जाओगे। बॉथम के सामने अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी थी। पर चैंपियन ऐसे ही नहीं बनते, एक चैंपियन को हर तरह के सिचुएशन में भी परफॉर्म करना आना चाहिए और बॉथम तो थे ही चैंपियन मटेरियल। इसीलिए उन्होंने इस वर्स्ट सिचुएशन को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। कप्तानी के दबाव से मुक्त होते ही बॉथम ने आगे के मैचों में अपने ऑलराउंड खेल का वो जबरदस्त नजारा पेश किया, जिसे याद करते हुए तो क्रिकेट फैंस आज भी रोमांचित हो उठते हैं। ये बॉथम के लाजवाब खेल का ही नतीजा था कि इस टूर्नामेंट में 1-0 से पिछड़ने के बाद भी इंग्लैंड ने 3rd टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में वापसी की। फिर लगातार अगले 2 टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को भी अपने कब्जे में कर लिया। और इन 3 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया को मिली करारी हार के लिए अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा जिम्मेदार था तो वो थे इयान बॉथम, जिन्होंने इन 3 टेस्ट मैचों में 346 रन बनाने के साथ साथ 18 विकेट लेकर इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत की बुनियाद रखी थी।
इसके अलावा वो इन तीन टेस्ट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजे गए थे और उन्होंने पूरे टेस्ट सीरीज में 399 रन बनाने के अलावा कुल 34 विकेट्स लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता था। उनके इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से आज उस एसएस सीरीज को बॉथम्स एसएस के नाम से भी जाना जाता है। गुजरते समय के साथ साथ बॉथम के नाम और भी नए कीर्तिमान जुड़ते चले गए। इसी दौरान वह टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन बनाने के साथ साथ 200 विकेट्स लेने वाले वर्ल्ड के फास्टेस्ट क्रिकेटर भी बने। उन्होंने यह कारनामा केवल 42 टेस्ट मैचों में ही कर दिखाया था, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। साल 1984 तक बॉथम अपने करियर के चरम पर पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार 5 बार टॉप ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे और साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 3000 और 4000 रन बनाने के साथ साथ 300 विकेट लेने का कारनामा करने वाले भी वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने। पर इसी बीच उन्हें इंजरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई और उन्हें समय समय पर क्रिकेट से दूर होना पड़ा, जिसका असर सीधा उनके परफॉर्मेंस पर पड़ा और उनका इम्पैक्ट कम होता चला गया। साल 1990 तक आते आते बॉथम अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे और उनका परफॉर्मेंस भी लगातार गिरता ही जा रहा था। पर फिर भी वह साल 1992 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और वो खेले भी, पर अपने आखिरी वर्ल्ड कप में भी बॉथम अपने पुराने रंग में नहीं दिखे, जिसका खामियाजा इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान से हारकर वर्ल्ड चैंपियन बनने से महरूम होना पड़ा। साल 1993 में बॉथम आखिरी बार बतौर क्रिकेटर ग्राउंड पर खेलने उतरे। ये डरहम और इंग्लैंड दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच खेला गया एक फर्स्ट क्लास मैच था, जो कि अंत में ड्रॉ पर खत्म हुआ। और इसी मैच के बाद ही सदी के इस महान ऑलराउंडर ने भी हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके स्टेट्स पर एक नजर डाले तो बॉथम ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 102 टेस्ट मैच खेले और 23.54 की एवरेज के साथ 14 शतकों और 22 अर्धशतकों की मदद से 5200 रन बनाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 208 रन रहा। वहीं 116 ओडीआई मैचों में 23.21 की एवरेज के साथ 9 अर्धशतकों की मदद से बॉथम ने 2113 रन बनाए, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 79 रन है। इसके अलावा बॉथम के नाम टेस्ट क्रिकेट में 383 विकेट्स और वनडे मैचों में 145 विकेट्स भी दर्ज है, जो ये दर्शाता है कि बॉथम कितने लाजवाब ऑलराउंडर थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बॉथम मीडिया में शामिल हो गए और कई वर्षों तक स्काई स्पोर्ट्स के लिए एक एनालिस्ट और कमेंटेटर के रूप में काम किया। इस दौरान बॉथम को उनके क्रिकेट की डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के कारण एक ब्रॉडकास्टर के रूप में काफी सराहना भी मिली। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉथम ने साल 1976 में अपनी गर्लफ्रेंड रही कैथरीन वॉलर से शादी की है, जिनसे उन्हें एक बेटा लियाम और दो बेटियां सारा और बेकी है। काफी कम लोगों को यह पता है कि इयान बॉथम कलर ब्लाइंड है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को रंगों की पहचान करने में थोड़ी मुश्किलें आती है। बॉथम चैरिटी कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद से बॉथम अभी तक 12 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा राशि कैंसर से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जुटा चुके हैं और उनका यह अभियान अभी भी जारी है। इयान बॉथम के चैरिटी वर्क शुरू करने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल ये बात साल 1977 की है, जब वो टॉन्टन के एक अस्पताल में अपने पैर के अंगूठे का इलाज करा रहे थे। इसी क्रम में वो एक दिन ऐसे ही टहलते हुए बच्चों के वार्ड की तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ल्यूकेमिया की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, जिनमें कुछ बच्चों के पास तो केवल हफ्ते भर की जिंदगी ही बची हुई थी। यह सब देखकर बॉथम की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने उसी दिन यह प्रण लिया कि वो इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और इस तरह शुरू हुआ उनका सामाजिक कल्याण कार्य का सफर। साल 2007 में इंग्लिश क्रिकेट और चैरिटी कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए बॉथम को नाइट बैचलर की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद वह सर इयान बॉथम कहलाए गए। आज बेशक उन्हें क्रिकेट से रिटायर हुए कई दशक हो गए हैं, पर आज भी जब कभी हम उनके पुराने मैचों की फुटेज देखते हैं तो उनके लाजवाब खेल को देखने के बाद मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, वाह क्या लाजवाब क्रिकेटर था ये। तो दोस्तों, ये तो थी सदी के सबसे महान ऑलराउंडर सर इयान बॉथम की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।